देख रहे हैं द मोबाइल एंड गैजेट शो का वो खास एपिसोड जिसे हम लेकर आए हैं न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क। एग्जैक्टली। और दिनेश तुम्हें मालूम होगा कि सेंट्रल पार्क से बहुत बड़ी बड़ी मूवीज तो शूट हुई हैं, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इसके अलावा मशहूर टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के कई एपिसोड भी यही सेंट्रल पार्क में शूट हुए। ये ब्रिज का इस्तेमाल कई जगह हुआ है। अभिषेक, एक बात की तो गारंटी है, पहली चीज ये ना ही आपने सर्च जो करी है गूगल से नहीं करी, क्योंकि गूगल पे ऐसी कुछ ऑप्शन नहीं है, कोई बताएगा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और दूसरी चीज, अगर जहां से भी आपने किया तो वहां पे तो ये बाहुबली भी बताई होगी, बाहुबली भी यहीं से बनी। हाँ, बाहुबली और कभी खुशी कभी गम सारी मूवीज इधर से शूट हुई है। बहुत मजाक हो गया, बहुत मजाक हो गया, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। हम अपने व्यूअर्स को कुछ खास एप्लीकेशंस बता रहे हैं जिससे उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो सकती है। और ये एप्लीकेशंस ऐसे ही नहीं है, ये एप्लीकेशन वो है जिन्हें हम अपनी रियल लाइफ में हर दिन हर पल इस्तेमाल करते हैं। दिनेश, अगला ऐप कौन सा है जिसे तुम इस्तेमाल करते हो? देखो, बड़ी सिंपल सी चीज़ है अभिषेक, हमारी लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है और हमारा ज़्यादातर समय हमारी जॉब या बिजनेस में रहता है, और उसके लिए हमें बहुत सारी मेल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत अलग अलग मेल्स हमारी बनी होती हैं, ईमेल आईडीज बनी होती हैं, और उसके लिए हमें सबके पासवर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट करनी पड़ती हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं होती। इसलिए मेरी अगली एप्लीकेशन है ब्लू मेल। जी हाँ, ब्लू मेल का बड़ा सिंपल सा काम है, बहुत इजी एप्लीकेशन है, आपको बस डाउनलोड करनी है और आपके जितने भी ईमेल आईडीज हैं और जितने भी आपके पास मेल्स आ रही हैं वो सारे एक होम बना के एक जगह पर सारी मेल्स आ जाती हैं, और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और साथ में उसको मैनेज भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो भी ट्रैश और जो भी बेकार की ईमेल्स होती हैं आपको उसकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको हटा देता है, उसको क्लीन कर देता है। आपके पास जो आप होम पेज जो बचता है उसमें बहुत क्लीन और बहुत रिफाइंड और बहुत फिल्टर्ड मेल्स बच जाती हैं आपके पास, जिससे आपकी लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा आप उसमें काम कर पाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ पाती है। तो अगली एप्लीकेशन अभिषेक आप हमें बताएंगे। अगली एप्लीकेशन पे दिनेश ने तो बता दी आपकी मेल लाइफ को मैनेज करने की, मैं आपको एक सेल्फी और फोटोग्राफी की एक और ऐप बताता हूँ, वो है कैम कैम। कैम कैम ऐप ऐसी है जैसे कि नाम बोल रहा है, कैम और कैम। तो ये कैम कैम दरअसल करता ये है कि आपके फ़ोन का सेल्फी कैमरा और आपके फ़ोन का प्राइमरी कैमरा दोनों को एक साथ एक्सेस करके एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सी इमेज क्लिक करता है। हालांकि एकदम लेटेस्ट ऐप नहीं है, थोड़ा पुराना ज़रूर है, पर इस ऐप का इस्तेमाल आप ढेरों क्रिएटिव तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे यहाँ पर अपनी एक सेल्फी क्लिक करूँगा, तो फॉर एग्जांपल कैम कैम की मदद से मैंने अगर यहाँ पर अपनी एक सेल्फी क्लिक की और यहाँ दिनेश मुझे कैप्चर कर रहा है गोप्रो से, सो वो दिनेश कैमरा लिए हुए भी उस फोटो में आ जाएगा और दोनों ही फोटोग्राफ एक ही सिंगल फ्रेम में आपको नजर आएंगी। तो एक बहुत ही बढ़िया हो सकता है, जैसे कि मैंने टाइम्स स्क्वायर या फिर सेंट्रल पार्क में यहाँ पर ऊंची बिल्डिंग ट्रम्प टावर यहाँ पर पीछे है, ट्रम्प टावर के साथ मैंने एक सेल्फी क्लिक की और साथ के साथ ट्रम्प टावर की फोटोग्राफ भी मेरे प्राइमरी कैमरे से क्लिक होकर बहुत ही इंटरेस्टिंग बन सकती है। तो ये तो हुआ कैम कैम। दिनेश बाबू, अगला कौन सा है ऐप? बहुत सिंपल है, पुश बुलेट। जी हाँ, नाम इसका बहुत कैची है और काम भी इसका वैसे ही कैची है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में क्या है कि आप अपने फ़ोन और अपने डेस्कटॉप को एक साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। जब हम ऑफिस में बैठे होते हैं तो हमारे बॉसेस या तो हमें हमेशा देखना चाहते हैं कि हम अपने काम में बिजी हों और डेस्कटॉप पर हम अपनी मेल चेक कर रहे हों, काम कर रहे हों, प्रोफेशनल काम, लेकिन उसी वक्त अगर हमारे पास पर्सनल कुछ मैसेजेस आ जाते हैं या हम कुछ फ़ोन पे चेक करना चाहते हैं तो वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन बहुत सिंपल है, पुश बुलेट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, आपके फ़ोन और डेस्कटॉप को ये सिंक्रोनाइज कर देता है। आपका जो भी डेटा फ़ोन पर है आप उसको डेस्कटॉप पर ले सकते हैं और लाइकवाइज आप अपने डेस्कटॉप से सारा डेटा अपने फ़ोन पर ले सकते हैं। तो भले ही आपकी मेल्स हों, भले ही आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हों, भले ही आपके फोटोग्राफ्स हों, वीडियोस हों, सॉन्ग्स हों, आप सबको एक साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और आप ऑफिस में बैठ कर अपनी बॉस को तो दिखा सकते हैं कि हाँ हम अपना प्रोफेशनल काम ही कर रहे हैं, लेकिन आप डेस्कटॉप पर अपनी पर्सनल लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अभिषेक, अगली एप्लीकेशन आपकी तरफ से कौन सी? देखिए, दिनेश ने तो थोड़ी अजीबोगरीब सी ऐप बता दी है जिससे हो सकता है आपका बॉस आपसे खुश भी हो जाए और यह भी हो सकता है कि आपको एक हमारे काम के नीचे, बट एक चीज जो आपकी लाइफ में हमेशा आपको और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रहेगी वो ये दूसरे की सक्सेस स्टोरी देखकर खुद सक्सेस की राह पर चल निकलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है। और इसी चीज को अगर आपको पाना है अपने स्मार्टफोन के जरिए, तो मैं बताऊंगा एक ऐप
टेड। जी हाँ, टेड नाम नया नहीं है। टेड दरअसल क्या, ढेरों इंस्पिरेशनल स्टोरीज को पोर्ट्रे करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके फंक्शंस होते हैं, टेडएक्स की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जहां पर लोग आकर अपनी सक्सेस स्टोरीज, अपने आइडियाज शेयर करते हैं। पर इन सारी सक्सेस स्टोरीज, इन सारे आइडियाज को आप भी एक्सेस कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन, टैबलेट के ऊपर, और चाहे तो एप्पल टीवी के ऊपर। मैं पर्सनली टेड का ऐप एप्पल टीवी के ऊपर इस्तेमाल करता हूँ, बिकॉज बड़ी स्क्रीन के ऊपर बड़े आइडियाज देखने का मजा ही कुछ और है। पर अब देखते हैं दिनेश कौन सा ऐप लेकर आ रहे हैं आप सब लोगों के लिए। अभिषेक, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास फोन तो बहुत अमेजिंग है लेकिन उसमें इंटरनल स्टोरेज खत्म हो गई है? वेल, ये सभी के साथ होता है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गूगल ड्राइव जब से आप अपने फोन में डाउनलोड करते हैं तो आपको काफी ज्यादा स्टोरेज मिल जाती है। आपको कुछ भी अपने फोन में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। गूगल ड्राइव एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको फ्री का 15 GB क्लाउड मिलता है। उसमें आप भले चाहे अपने फोन से सारी फोटोग्राफ्स ले सकें, वीडियोज ले सकें, सॉन्ग्स ले सकें, आपको जो भी कॉन्टेंट आपके फोन पर है जिसको आप ट्रांसफर करके रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, गूगल ड्राइव एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। और सबसे बड़ी चीज़, ये गूगल के साथ, गूगल ने इसको बनाया है तो ऑफकोर्स आपको सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं होगा। आप आराम से इसको रख सकते हैं अपने पास, अपना कंटेंट उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, तो आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से गूगल ड्राइव एप्लीकेशन आपके फ़ोन में आज के समय होनी बहुत ज़रूरी है। गूगल ड्राइव तो अच्छी एप्लीकेशन है, पर एक और एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, नाम है उसका बूसू। अब ये बूसू जो नाम है, ऐप उतना अजीबोगरीब नहीं है। ऐप दरअसल आपको ढेरों बेहतरीन क्वालिटी के लैंग्वेजेस सिखाता है। आप इस पे कोरियन लैंग्वेज सीख सकते हो, जर्मन सीख सकते हो, फ्रेंच सीख सकते हो, इंग्लिश तो सीख ही सकते हो। इसके अलावा ढेरों ऐसी भाषाएं हैं, उनके ढेरों ऐसे लेसन्स हैं जिसमें ना सिर्फ वो कैप आपकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, बल्कि कई ग्रामर लेसन्स हैं। आप अपने हिसाब से उन सभी लैंग्वेजेस के लेसन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, अलग अलग लेवल सेटअप कर सकते हैं जिसके हिसाब से आप कितना अच्छे से उस लैंग्वेज को सीख रहे हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। तो बूसू, अगर आप भाषाएं सीखने में यकीन रखते हैं तो बूसू आपके स्मार्टफोन के ऊपर होना ही होना चाहिए।